वेलकम टू माय चैनल रतन कुंवर। आज हम फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी गुड़ वाली चाय बनाएंगे जो सर्दियों में बहुत ज्यादा पी जाती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपको जो चाय बनाना बताऊंगी वो आपको टिप्स के साथ बनाना बताऊंगी। गुड़ की चाय बनाते समय बहुत से लोगों की शिकायत रहती है, गुड़ ऐड करने के बाद में चाय जो है फट जाती है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी चाय जो है नहीं फटेगी और बहुत ही हेल्दी टेस्टी हमारी चाय बनके तैयार हो जाएगी। तो ये रेसिपी फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक देना मत भूलिए। अगर कोई भी डाउट है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल दबाना मत भूलिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाएगी। मेरा वीडियो फ्रेंड्स आप एंड तक देखिए। पूना की और जोधपुर की बहुत ही ज्यादा फेमस तंदूरी चाय की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल में डाली है तो वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। गुड़ वाली चाय की एक खास बात होती है, इसे आप दोबारा गर्म करके नहीं पी सकते। इसे जब भी आपको पीना है उसी टाइम पे आप बना के पीजिए, दोबारा इसे गर्म मत कीजिए। दोबारा गर्म करेंगे तो ये फट सकती है। गुड़ की चाय बनाने के लिए सामग्री देख लेंगे। एक कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है, आधा कप पानी लिया है, दो चम्मच मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, गुड़ को मैंने क्रश कर लिया है, और एक टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चाय पत्ती ली है, और आधा टी स्पून मैंने यहाँ पे चाय का मसाला लिया है। चाय के मसाले की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल में डाली है। चाय फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जिस टाइप से आप अपने घर में पीते हैं उस टाइप से भी। दूध और पानी की क्वांटिटी आप अपने ऊपर डिपेंड करते हैं और जितनी आपको मीठी चाहिए उसके हिसाब से भी आप जो है बना सकते हैं। आधा कप पानी डाल दिया है, अब हम इसमें ये चाय पत्ती ऐड कर देंगे, चाय का मसाला भी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये अच्छे से बॉईल हो चुकी है, अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। हमारी चाय जो है अच्छे से उबल चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। गैस की फ्लेम हम यहाँ पे लो कर देंगे और इसे हम एक मिनट के लिए लो फ्लेम पे बॉईल कर देंगे। चाय आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, कुछ लोग ज्यादा स्ट्रांग पीते हैं, कुछ लोग लाइट पीते हैं, कुछ लोग दूध कम पसंद करते हैं, तो ये चाय जो है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अभी सर्दियों का सीजन है तो सर्दियों के सीजन में गुड़ वाली चाय बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है, लेडीज के लिए स्पेशली खास करके बहुत ही अच्छी रहती है। अभी हम यहाँ पे गैस की फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। ये मैंने यहाँ पे गुड़ जो इस्तेमाल किया है ये गुड़ देसी गुड़ है, इसमें पीले कलर का गुड़ आता है उसका इस्तेमाल ना कीजिए, उससे आपकी चाय जो है फट सकती है। गैस की फ्लेम ऑफ करके गुड़ को जो है क्रश करके इसमें डाल दीजिए ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को आप अच्छे से ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके डालेंगे तो ये जल्दी से इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो ये हमारी चाय बनके तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें आप गुड़ डालिए, इसे मैं सर्विंग कप में निकाल दूंगी। गुड़ वाली चाय बनके तैयार हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी में।